माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं रोमेश मर्त त्रिपाठी। तो बेटा, एल्कोहल फिनॉल ईथर का आज 11th लेक्चर है जिसमें हम सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो आपने थंबनेल पे देखा होगा कि विसिनल डाइओल कैसे बनेगा, तो हम सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ विसिनल डाइओल। तो बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा कि विसिनल डाइओल होता क्या है। तो बेटा मैं बता दूँ, विसिनल का मतलब होता है दो कॉन्जिक्यूटिव कार्बन पे डाइओल, डाइओल का मतलब होता है OH ग्रुप, OL का मतलब क्या होता है OH ग्रुप, डाइमर का मतलब दो। तो दो कॉन्जिक्यूटिव कार्बन पे दो OH ग्रुप, ये होता है विसिनल डाइओल होता है। अब आप कार्बन की वैलेंसी फुल्ली फिल कर दो, ठीक है बेटा। तो ये हो गया विसिनल डाइओल। तो हम ये कैसे विसिनल डाइओल बनाएंगे ये हम सीखेंगे। तो आपको मैं बता दूँ बेटा कि जो विसिनल डाइओल हो बनता है वो फ्रॉम एल्कीन बनता है। कहाँ, कैसे बनता है? फ्रॉम एल्कीन बनेगा। अब जब एल्कीन का आप ऑक्सीडेशन करोगे, क्या करोगे? जब एल्कीन का क्या करोगे? ऑक्सीडेशन करोगे देन आपका क्या बनता है बेटा? विसिनल डाई ऑल बनता है। तो अब बात करेंगे कि कौन सा स्पेसिफिक रिएजेंट लेना। ध्यान देना, एल्कीन के ऑक्सीडेशन में बहुत सारे प्रोडक्ट भी बनते हैं, लेकिन हमें बनाना है विसिनल डाई ऑल, तो हम कौन कौन सा रिएजेंट लेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही आ गया कि कौन कौन सा रिएजेंट लेंगे। अब मैं बता दूँ, जो नीट और जेई के बच्चे हैं वो बहुत ध्यान से रिएजेंट देखिएगा, क्योंकि इस पे बेस क्वेश्चन बड़ा फेवरेट होता है, चाहे नीट का हो, एम्स का या जेई का, ठीक है बेटा। तो रिएजेंट पे आप फोकस करिएगा, कौन कौन से रिएजेंट हम ले सकते हैं कि एल्कीन से अगर हम लोग विसिनल डाइओल बनाते हैं तो, ठीक है। इस रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन भी बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। तो इनडायरेक्टली हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, तो इनडायरेक्टली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ से? एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, वो भी क्या? एल्कीन की क्या, कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़? ऑक्सीडेशन वाली, ठीक है बेटा। अब समझ में आ गया कि हम जब एल्कीन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हम विसिनल डाइओल बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूँ, देखिएगा, अब रिएजेंट कौन कौन सा लेते हैं अभी हम बात करते हैं। जैसे आपके पास कोई एल्कीन है, आपके पास ये एल्कीन है बेटा, तो आपको क्या बनाना? विसिनल डाइओल बनाना है। तो विसिनल डाइओल का मतलब क्या होगा? एक पाई बॉन्ड तोड़ दो, तो ये तोड़ दिया एक पाई बॉन्ड, और एक OH इसको दे दो, और एक OH क्या करो, इसको दे दो। तो बात आती है, इस एल्कीन से आपने क्या बना दिया बेटा? डाइओल बना दिया। वो तो कौन सा डाइओल? विसिनल डाइओल। तो अब कौन सा रिएजेंट लोगे यहाँ पे? मेन तो बात आ गया रिएजेंट का। तो चलिए अब सीखते हैं कौन कौन सा रिएजेंट हम लेंगे। क्लियर बेटा? ये पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तब आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। देखते हैं रिएजेंट में, हमारा पास रिएजेंट में हमारे तीन रिएजेंट हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पहला रिएजेंट क्या है बेटा? कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4। KMnO4 का नाम क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट। मतलब पोटेशियम परमैंगनेट आपका क्या होना चाहिए? कंडीशन क्या है? कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 होना चाहिए। एल्कलाइन का मतलब थोड़ा बेसिक नेचर होना चाहिए। कभी कभी आपको ये लिखा हुआ ऐसे मिलेगा, KMnO4/OH-, इस टाइप से भी आपको लिखा मिलेगा, पोटेशियम परमैंगनेट OH- मतलब एल्कलाइन मीडियम। क्लियर बेटा? कोल्ड होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपने हॉट मीडियम रख दिया तो अलग ही प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अगर आपको विसिनल डाइओल का फॉर्मेशन करना है तो कोल्ड रखना पड़ेगा। क्लियर बेटा? इसी को एक नाम देते हैं बेयर्स रिएजेंट, आपने बहुत लोगों ने सुना भी होगा। इसको क्या बोलते हो बेटा? बेयर्स रिएजेंट। क्या बोलते हो? बेयर्स रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट नाम नेम है इसका, बेयर्स रिएजेंट। तो आपसे पूछे बेयर्स रिएजेंट क्या है, तो आप क्या बताओ? कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 इज ए बेयर्स रिएजेंट, ठीक है बेटा। दूसरा हमारे पास रिएजेंट क्या है बेटा? ऑस्मियम OSO4, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। क्या है बेटा ये? ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। हम दूसरा रिएजेंट ऑस्मियम टेट्रोक्साइड लेते हैं, उसके बाद इसका हम फर्दर एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है? विसिनल डाइओल, ठीक। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें दो कंडीशन आएगी, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे चल के। I2 इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर एसीटेट, इससे भी आप विसिनल डाइओल बनाओगे, ठीक है बेटा। अब मैं बता दूं, जो ये फर्स्ट और सेकंड हैं, ये दोनों भाई भाई हैं। ये कौन से हैं? दोनों भाई भाई। दोनों का सेम वर्किंग है, दोनों सिन एडिशन देते हैं, ठीक है बेटा।
दोनों का दोनों कौन सा एडिशन होगा, सिन एडिशन होगा। मतलब ओ एच क्या होंगे दोनों, सेम साइड ओ एच, सेम साइड ओ एच कहाँ जुड़ेंगे बेटा, सेम साइड होगा एडिशन ओ एच का, सेम साइड एडिशन ऑफ ओ एच होगा। ठीक है बेटा, इनका थोड़ा सा डिफरेंट बताऊंगा। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होते हैं। क्या होते हैं बेटा, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस होते हैं। ठीक है बेटा, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस होते हैं। आपको मैंने बता दिया कि विसिनल डाईऑल के फॉर्मेशन में अगर एल्कीन का ऑक्सीडेशन कराते हो तो हम कौन कौन सा रिएजेंट ले सकते हैं। पहला हम क्या ले सकते हैं, कोल डाइल्यूट एल्कलाइन के मोनोफोर, जिसको आप बोलते हो बेयर्स रिएजेंट। दूसरा हम क्या ले सकते हैं, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तीसरा हम लोग क्या ले सकते हैं, आई टू इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर एसीटेट। ठीक है बेटा, इसमें तीनों में से कोई एक ले सकते हो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो। बात करते हैं जो पहला और दूसरा, ये दोनों भाई भाई हैं, इन दोनों का सेम फैशन होता, सेम मैनर में ओ एच का एडिशन होता, वो कि कौन सा होता, सिन एडिशन होता, मतलब सेम साइड ओ एच जाके जुड़ जाते हैं। और तीनों रिएजेंट क्या होते हैं, यूज़ करोगे तो हमेशा रिएक्शन क्या होती है बेटा, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होगी। क्लियर, अभी स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब समझाता हूँ कि कैसे। ठीक है बेटा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। आपके पास दो प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ पे आपने क्या ले लिया बेटा, एल कोई भी एल्कीन है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन, इथीन। अब आपने यहाँ पे रिएजेंट देखा, पोटेशियम परमैंगनेट इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, एल्कलाइन मीडियम, वो भी कोल्ड है, तो आपको लग गया ये बेयर्स रिएजेंट है। ठीक है, तो अब एल्कीन का आपने बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराया तो क्या फॉर्म होगा, विसिनल डाईऑल। कैसे होगा बेटा, देखिएगा क्या करना है आपको, ये पाई बॉन्ड तोड़ना है, ये पाई बॉन्ड आपने तोड़ दिया, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो गई, ये भी कार्बन तीन बॉन्ड बना रहा है, ये भी कार्बन तीन बॉन्ड बना रहा है, दोनों OH किस फॉर्मेट में जोड़ना है, किस फैशन में, सिन एडिशन में, दोनों सिन एडिशन मतलब सेम साइड एडिशन, सिन एडिशन करना है। ठीक है, तो आपने सिर्फ रिएजेंट देख के बता दिया कि इस एल्कीन से ये विसिनल डाईऑल बनेगा। ठीक है, इसका आप IPAC नेम लिख सकते हो, एथेन 1.2 डाईऑल। क्लियर, अब मैंने बोला पोटेशियम परमैंगनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन मीडियम कोल्ड डाइल्यूट होना चाहिए, इसको बेयर्स रिएजेंट बोलते हो, या तो ये ले लो या तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, इसकी जगह पे अगर OSO4 लिखा होता तो भी यही प्रोडक्ट बनता, क्योंकि ये दोनों भाई भाई हैं। अब दूसरे एग्जांपल में इसका नाम है प्रोपीन, इसका नाम क्या है बेटा, प्रोपीन। अब इस प्रोपीन में आपने ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड डाला, फर्दर हम इसका फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या बनेगा, बनेगा विसिनल डाईऑल, सिन एडिशन होगा, OH दोनों सेम साइड में जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे, देखिए यहाँ पे कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन है, एक पाई बॉन्ड तोड़ दो और इन दोनों कार्बन को क्या करो, सेम साइड में OH दे दो, तो आपका ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो देख के आपने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं बेटा एग्जाम्स में। ठीक है, तो आपको सिर्फ रिएजेंट पहचानना, एल्कीन देखना, पाई बॉन्ड तोड़ना, दोनों OH को सेम साइड में जोड़ देना। ठीक है, ये प्रोडक्ट आपको बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये, आपने ये पहचान लिया है बेयर्स रिएजेंट है, जहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, पाई बॉन्ड को तोड़ के दो OH जोड़ेंगे, वो भी सिन फॉर्म में, सिन एडिशन मतलब सेम साइड एडिशन, या इसकी जगह पे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड भी ले सकते हैं। तो देखिएगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा, कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन इस कार्बन पे था, तो हम देखेंगे क्या है कि हमें OH दोनों सेम साइड में जोड़ना है। तो आपके पास दो पोजीशन है, देखिए अगर हम इस CH3 को एज्यूम कर लें कि बेटा ये एबव द प्लेन है, ये है क्या है, ये CH3 भाई हम मान के चल रहे हैं ये एबव द प्लेन है। ठीक, तो OH किधर जुड़ेगा, बिलो द प्लेन जोड़ दो आप, डैश लाइन पे जोड़ दो, तो ये वाला OH भी क्या होगा बेटा, डैश लाइन पे ही जुड़ेगा, ताकि सेम साइड में, तो सेम साइड में OH होगा, बिलो द प्लेन ये भी OH, बिलो द प्लेन ये भी OH, ये प्रोडक्ट बन गया। कोई कोई बच्चा कहेगा, कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर हम इसको अगर हम बिलो द प्लेन मान लें, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इस CH3 को बिलो द प्लेन मान रहे हो तो हमने बिलो द प्लेन मान लिया, तो अब ये OH कहाँ जुड़ेगा, ये OH एबव द प्लेन, एबव द प्लेन जुड़ेगा, तो आप इस OH को एबव द प्लेन जोड़ दो, एबव द प्लेन जोड़ दो।
आपके पास ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये आपने देख लिया एल्कीन है, ये आपने रिएजेंट पहचान लिया पोटेशियम पर मैगनेट ओ एच माइनस एल्कलाइन मीडियम में, ठीक। ये बेयर्स रिएजेंट हो गया। अब आपको पता है बेयर्स रिएजेंट एल्कीन के साथ क्या काम करता है, इस पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, ओ एच जोड़ेगा, और वो भी किस फैशन में, सिन एडिशन में। इस बेयर्स रिएजेंट की जगह पे आप दूसरा रिएजेंट भी ले सकते हो, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, इसका भी वर्किंग सेम है, जो ये बेयर्स रिएजेंट करेगा वही ये करेगा। तो अब प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो देखिएगा बेटा, आपको प्रोडक्ट बनाना है। अगर इस पाई बॉन्ड को आपने तोड़ दिया तो अब OH ग्रुप तो हमें लगाना है, वो सेम साइड में लगाना है। तो अगर हम एज्यूम कर लें ये CH3 जो है वो है हम एबव द प्लेन है, ये CH3 क्या है, अगर हम लोग एबव द प्लेन मान के चल रहे हैं, ये एबव द प्लेन इस टाइप से, तो हमारा जो OH होगा वो कहाँ से जाके जुड़ेगा, बिलो द प्लेन जुड़ेगा। तो इस कार्बन पे भी OH कहाँ जुड़ेगा, बिलो द प्लेन ही जुड़ेगा, मतलब इस प्लेन के जस्ट नीचे जुड़ेगा। क्लियर बेटा? तो आपको ये समझ में आ गया कि कैसे प्रोडक्ट बना। या हाँ, कोई स्टूडेंट ये भी कहेगा कि सर हम अगर इसको माने ये बिलो द प्लेन है, इस CH3 को हम मान के चलें कि ये बिलो द प्लेन है, तो ठीक है आप देख लीजिए, आपने ये मान लिया कि ये CH3 क्या है, बिलो द प्लेन है, तो ये OH क्या लगेगा जुड़ेगा, एबव द प्लेन जुड़ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करो, एबव द प्लेन जोड़ दो, तो ये OH हो गया। तो ये भी क्या होगा बेटा, एबव द प्लेन ही जुड़ेगा, ये भी दोनों सेम साइड एडिशन। तो ये भी प्रोडक्ट सही है, ये भी प्रोडक्ट सही है, जो भी आपके ऑप्शन में होगा वो आप टिक लगा के चले आइएगा, ठीक है बेटा। चलिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखिए बेटा, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास, और ये स्टीरियो स्पेसिफिक वाली प्रॉब्लम है। तो अभी मैं समझाऊंगा स्टीरियो स्पेसिफिक कैसे है, ठीक है। इस एल्कीन को देखिए, अब आपको लग रहा होगा इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लंग ये पीएच ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये पीएच ग्रुप जुड़ा हुआ है फिनाइल ग्रुप, ये CH3 मिथाइल, ये CH3 मिथाइल, दोनों पीएच जो है सेम साइड में है, तो ये सिस फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म, ठीक है। इसको देखेंगे तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये CH3 और ये CH3 दोनों अपोजिट साइड में है, तो इसको ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अलोंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का फॉर्मेशन होता है, और वो सिस और ट्रांस बनाता है। सिस मतलब दो सेम ग्रुप सेम साइड में होते हैं, ट्रांस का मतलब दो सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देख लिया बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट का काम क्या है कि एल्कीन का ऑक्सीडेशन कर देता है और विसिनल डाइऑल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो हमें OH क्या करना है, सेम साइड में जोड़ना है, इस सिस एल्कीन में OH सेम साइड में जोड़ना है। तो देखिएगा, हम ऐसे बनाते हैं इसको फिशर प्रोजेक्शन के फॉर्म में, इस वाले कार्बन ऐसे हम करेंगे, ये वाला कार्बन जो है ये वाला कार्बन है, ठीक है। पीएच ग्रुप हम एबव जोड़ दे रहे हैं, अब OH मुझे सेम साइड में जोड़ना, तो ये OH हमने दोनों इस दो कार्बन, ये वाला कार्बन ये है, ये वाला कार्बन ये है, तो इन दोनों कार्बन पे OH हमने सेम साइड जोड़ दिया। इस वाले कार्बन पे पीएच लगा हुआ था, इस वाले कार्बन पीएच लगा दिया, एक बचा हुआ मतलब इस कार्बन पे CH3 इधर लगा हुआ, CH3 इधर लगा दिया, इस कार्बन पे भी CH3 और पीएच है, तो CH3 इधर जोड़ दिया और पीएच इधर जोड़ दिया। अब आपको देख के लग रहा होगा ये मैंने फिशर प्रोजेक्शन के फॉर्म में बनाया है समझाने के लिए कि स्टीरियो स्पेसिफिक कैसे। अब आप देखो तो लग रहा है कि यहाँ से अगर एक प्लेन ड्रॉ करो तो ये कहीं ना कहीं ये प्लेन आप सिमेट्री है कि नहीं, मतलब यहाँ से अगर आप कट करोगे तो दो इक्वल पार्ट में ये कट हो जा रहा है। आप खुद देखो, प्लेन आप सिमेट्री बना रहा है कि नहीं बना रहा है, मतलब अगर इसके प्लेन से पास करें तो आधा प्लेन ऊपर और बिलो द प्लेन क्या आ रहा है, दोनों आइडेंटिकल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये क्या बना रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। जिस भी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है वो कौन सा कंपाउंड बनाता है, मीजो कंपाउंड होता है, मीजो कंपाउंड। और मीजो कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, सिस पे जब आपने बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराया तो हमेशा क्या बनेगा बेटा, मीजो कंपाउंड बनेगा जो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री रखेगा। मीजो कंपाउंड क्या होता है, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। तो आपको मैं बता दूं कि एक ट्रिक है, CSM याद रखिएगा। CSM क्या होगा, मतलब सिस पे सिन एडिशन होगा तो मीजो कंपाउंड बनेगा, सिस पे सिन एडिशन होगा तो क्या बनेगा, मीजो कंपाउंड होगा। क्लियर। ट्रांस का देखते हैं, ट्रांस में देखते हैं कि ठीक है हम ऐसे फिशर प्रोजेक्शन के फॉर्म में बनाएंगे, तो हमारा ये वाला कार्बन ये वाला हो गया, पीएच हम यहाँ लगा दिए इस कार्बन पे, ये CH3 हमने इधर लगा दिया, ठीक है। अब OH इसमें भी दोनों सेम साइड से ही जुड़ेंगे, ठीक है। तो हम एक OH इधर जोड़ेंगे, एक OH हम इधर जोड़ेंगे,
और इस कार्बन पे सी एस थ्री इधर लगा हुआ, सी एस थ्री लगा दिया और ये पी एच लगा दिया फिशर प्रोजेक्शन के फॉर्म में। तो आपको लग रहा होगा देख के बेटा कि ये ट्रांसफॉर्म में अब यहाँ पे कोई मिरर इमेज नहीं बन रहा है, कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रहा है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो रहा, लेकिन आप हाँ एक इसका मिरर इमेज ज़रूर बना सकते हो, इसका मिरर इमेज ज़रूर बना सकते हो। मिरर इमेज बनाओगे तो क्या होगा देखिएगा, अब मिरर इमेज बनाओगे तो ये वाला मॉलिक्यूल पहले आ जाएगा, तो ये OH इधर, ये बाद में चला जाएगा सी एस थ्री, इसका मिरर इमेज यहाँ पे सी एस थ्री पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा, ये पी एच आ जाएगा और ये पी एच आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो क्या कर लग रहा है, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल का क्या है, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, तो इन्हीं दोनों को बोलते हैं इन एनसियोमेरिक फॉर्म, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इन एनसियोमर्स हैं, और जब ये एक दूसरे के इन एनसियोमर्स हैं तो कहीं ना कहीं ये रेसिमिक मिक्सचर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, क्या है, ट्रांस पे जब सिन एडिशन होता है तो रेसिमिक मिक्सचर बनता है, ट्रांस फॉर्म में सिन एडिशन तो क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, एक फॉर्म आपने बना लिया, इसका मिरर इमेज ड्रॉ करिए, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज अगर हैं तो ये दोनों एक दूसरे के इनएनसियोमर हैं, और अगर ये दोनों एक दूसरे के इनएनसियोमर्स हैं तो 100% वो क्या हो जाएंगे, रेसिमिक मिक्सचर हो जाएंगे। और रेसिमिक मिक्सचर भी क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस है, क्यों, क्योंकि अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये किस में रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट रोटेशन जीरो, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, अब हम तीसरे रिएजेंट को एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ठीक है बेटा, तीसरा रिएजेंट क्या था आपका, I2 इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर एसीटेट। तो अब हम कह रहे हैं कि ये जो तीसरा रिएजेंट था इसके हमारे दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो उसको ड्राई कंडीशन में लोगे इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, मीडियम आपको क्या रखना है, नॉन पोलर रखना है, ठीक है। दूसरी चीज़ I2 इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर एसीटेट, तो इसको क्या रखना, किस कंडीशन में, वेट कंडीशन में। दोनों कंडीशन में आपका इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे OH जुड़ेगा, लेकिन डिफरेंट फैशन में जुड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका ड्राई हुआ, अगर आपने आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर एसीटेट लिया और कंडीशन आपने ड्राई लिया, बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो अगर आपने ड्राई लिया तो आपका जो OS हो, OH जुड़ेगा, जो वो जुड़ेगा जस्ट अपोजिट फैशन में, मतलब अगर एक OH बिलो द प्लेन होगा तो दूसरा वाला OH कहाँ जुड़ेगा बेटा, एबव द प्लेन होगा, क्या होगा बेटा, एबव द प्लेन जुड़ेगा, ठीक। अगर आपने वेट कंडीशन ले लिया, अगर आपने क्या कर लिया, वेट कंडीशन ले लिया, तो दोनों OH जो जुड़ेंगे वो सेम फैशन में जुड़ेंगे, दोनों OH क्या जुड़ेंगे, सेम फैशन में जुड़ेंगे, सेम फैशन मतलब सेम साइड से जुड़ेंगे। तो अगर हमें सेम साइड से जुड़ना, अगर हम बिलो द प्लेन जोड़ रहे हैं तो ये भी दूसरा OH भी हमारा क्या होगा, बिलो द प्लेन ही जुड़ेगा, या कोई स्टूडेंट एबव द प्लेन बनाना चाहे तो बना सकता है, या आप ऐसा भी बना सकते हो कि आपने ले लिया ये और आपने क्या कर दिया, एबव द प्लेन जोड़ दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों सेम फैशन में होने चाहिए। तो अब ध्यान से सुनिएगा, इसको याद करने की मैं ट्रिक बताता हूँ। देखिएगा, जब आपने एल्कीन लिया I2 इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर एसीटेट, तो आपको ये चेक करना है कंडीशन क्या है, ड्राई, ड्राई कंडीशन में हमारे दोनों OH अपोजिट साइड में जुड़ेंगे, अपोजिट मतलब एंटी पोजिशन, एंटी, एंटी मतलब हो गया ट्रांस, ठीक, ध्यान से सुनिएगा, एंटी का मतलब मैं याद कराने का तरीका बता रहा हूँ, एंटी का मतलब ट्रांस हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर I2 इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर एसीटेट वेट कंडीशन में होगा तो दोनों OH हमारे सेम साइड में जुड़ेंगे, सेम साइड मतलब सिस फॉर्म में जुड़ेंगे, सिस का मतलब होता है सेम साइड, ठीक। तो देखिएगा, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप, ठीक, कौन लाएगा, धोनी तेंदुलकर लाए थे, ठीक है। तो देखिएगा, वर्ल्ड कप का मतलब WC, मतलब वेट कंडीशन होगा तो सिस फॉर्म में जुड़ेगा, तो दोनों OH हमने सेम साइड में जोड़ दिया, देखो वेट कंडीशन था, दोनों OH सेम साइड, तो वेट W मतलब वेट, C मतलब सिस फॉर्म में आप जोड़ दो सेम साइड में। DT का मतलब धोनी तेंदुलकर, D मतलब ड्राई, T मतलब ट्रांस, ट्रांस का मतलब अपोजिट, तो दोनों OH हमने क्या कर दिया, अपोजिट जोड़ दिया। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है बेटा। तो प्लीज़ बेटा, अगर चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, पॉजिटिव लग रहा है, तो प्लीज़ अपने तक सीमित ना रखिए, इसको आप अपने फ्रेंड सर्किल में जो बहुत नीडी हों,
या जिन तक नहीं पहुंच पा रहा है सारी चीज़ें, तो आप उनको प्लीज़ शेयर करिए और अपने सारे फ्रेंड सर्किल में प्लीज़ शेयर करिए इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कम से कम उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा जो अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाला है नीट या जेई का। ठीक है बेटा, तो ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, और गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।